गए थे पिछले साल, एक वकील का बच्चा यहीं पे बुला था, पूरी फोर्स आ गई थी छीन भर में, हमारा बच्चा बुला तो कोई नहीं आया। हम लोग गरीब है ना, हम लोग गरीब है, क्या कर पाए, क्या कर पाए, बस बाजार में चल जाओ घर, बस यही ना, यही लिए सब शिक्षा बनी है, जाओ घर, नहीं तो नहीं जाओगे तुम लोग भी, भागो भागो यहाँ से, बस सब जने हम डीएम के यहाँ से सब जने धरना पर, अब लड़के से यहाँ सारा गोरू बरदा लाइक सब चला, पूरा पब्लिक चलेगी उस लड़के के हमसे मिलना चाहता है। अच्छा डीएम का हाँ चलेगी, हाँ, हाँ, चलेगी चलेगी हाँ, हमसे कौन भाई मारता सुनवाई नहीं, हमसे गरीब मन रही है, अब आइए की अधिकारी को तो सब फाट पड़ते सब नदी में उतार लेते निशान लेते, नहीं बुढ़े ना हमारे अधिकारी छाप पड़े ना, हमारे सब गरीब को कोई आ सकता है। कोई विधायक कोई सांसद जो बड़े बड़े वादे करते हैं लोगों के बीच में जाते हैं कि हम आपके दुख के समय में खड़े रहेंगे साथ में, कोई आया अभी तक? नहीं कोई आया, जो मतलब ऐसे छोटे मोटे हैं उस क्या करें, क्या करें, कम कम आखिरी दर्शन हो जाए बच्चे का। नमस्कार दोस्तों, अभी हम खड़े हैं प्रतापगढ़ के चकबंद तोड़ गांव में, जहां पर कल शाम को एक शिवम सिंह नामक एक छोटा सा लड़का नदी के किनारे अक्सर लोग मछलियां मारने के लिए निकलते हैं, और फिर कल शाम को जब शिवम सिंह निकलते हैं मछली मारने के लिए अपने घर से, जाने या अनजाने में किसी को बताकर अकेले ही सही नदी के किनारे वो बैठे थे। एक बार नदी के किनारे की तस्वीर दिखा देंगे साहब, वहीं ये मछली मार रहे थे, और फिर कल शाम से वो शाम 6 से 7 बजे से लापता हैं साहब। पुलिस प्रशासन की जानकारी हो चुकी है, कल शाम से ही पुलिस प्रशासन के कुछ आला अधिकारी कुछ पुलिस अफसर आए, लेकिन अभी तक कोई गोताखोर यहाँ पर नहीं आया है। गांव के परिजन, घर के परिजन उस बच्चे को देखना चाहते हैं जिंदा या मुर्दा हालत में, लेकिन साहब उनकी इंतज़ार की घड़ी धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है, और लोग कह रहे हैं कि साहब हमारा धीरे धीरे अब उनसे विश्वास उठता जा रहा है कि आखिरकार कब गरीबों की सुनवाई होगी। तमाम लोग हैं, तस्वीर देख लीजिए साहब, घड़ी में 2 बजने वाले हैं, लेकिन कल शाम की ये घटना है, कल शाम से उस बच्चे का इंतज़ार घर वाले और गांव वाले लगातार कर रहे हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कब निकला, एक दादी है इन्हीं से पहले बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे सब हमसे 4 बजे सारी रात हमसे परेशान है, कोई सुनवाई नहीं है, हमसे यहाँ पानी डालने पर सब नानी माई महतारी भी हो बाप भी हो पर सब गांव देश हमसे रोवत है मरत है, कौन सुनवाई होत बा, हमारे सबके गरीब को कोई सुनवाई होत बा, कुछ ना सुनवाई होता है, सुनवाई साहब ना होती है, कौन सुनवाई ना होती है, सारी रात बीत गई, सारा दिन बीत गया, सवेरे कोतवाली पहुंचे कोई हमारे सब कोई को कुछ योजना नहीं, यहाँ बात कर चार कोस आई गई, हम बच्चा का देखे चाहिए थी, हमका बच्चे का लाश हमारा मिले चाहे जरूर, बच्चा के खातिर हमसे कितना सबूर कर रही सब, नदी तीरे पुल लगे जा हिंचा देखे सब नानी माई काकी पितिया सब पर यहाँ रोवत पर यहाँ, लोग उधर भी बैठे हैं और वहाँ सब बैठे सब वहाँ पर आए अपना मातारी नानी मामी सब वहाँ रोवत गया मामा सब पर आए हैं। कितने साल की उम्र रही होगी भैया? 20-22 साल के लड़के की उम्र है। अच्छा हाँ, लम्बे चौड़े सब चीज से बात है, और मतलब भगवान इनका कई संजक के देखे से ना 5 बजे 6 बजे आए कि यहाँ से, तब से वह कपड़ा मिला तो अब सब हेरना छूटा है, सब हेरा गवाह बस, क्या मिला है, पैंट शर्ट चप्पल बस और कुछ नहीं, और कुछ नहीं तो भाई भुवक नदी में है कटिया लाई के आए, कटिया रही है सब कुछ रही है, सब वही कपड़ा लाई तब हेरे लागत गए है, हमारे सबके सवेरे होते सवेरे सब कोतवाली के इतनी जून में कोई नहीं आ सकते है, हाँ कौनो सुनवाई है यहाँ, कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं, कौनो सुनवाई नहीं, सब जने खड़े हैं कहते हैं यहाँ से चले जाओ, कहाँ चले जाओ, हाँ अपन बच्चा छोड़ के कहाँ जाए, क्या प्रयास कर रहे, अगर वही मट्टी मिल जाए तब सबूर हो जाए हमारे मिल गए, हाँ मतलब अंतिम दर्शन करना चाहते हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल, हमसे दर्शन करना चाहिए, हमसे आँखी सामने आए ओकर कुछ सुनवाई हो, माई बाप सब देख के उनकर तनिक आत्मा में हो कि हाँ मिल गया हमारे बच्चा, हाँ आप सब अंतिम हाँ, हाँ, देखना चाहते हैं आखिरी बार, हाँ आखिरी बार देखे चाहिए बिल्कुल, और हालत पे आप हमारी लाश यहाँ मिलेगी तब हम सबको सब सुनवाई आप समझेगी कि हमारी सबके कोई सुने है। अच्छा हाँ साहब, हिंदू विधि विधान में संस्कार भी होता है, अंतिम संस्कार होता है, चलते ही हमसे सब जने हमसे डीएम के यहाँ हमसे सब जने धरना पर, अब लड़के से यहाँ सारा गोरू बरदा लाइक सब चला, पूरा पब्लिक चलेगी उस लड़के के हमसे मिलना चाहता है। अच्छा डीएम हाँ, हाँ चलेगी चलेगी, प्रधान और धान ओसे आए नो अपन कोशिश में जौन करे रहा करे यहाँ, और आगे यहाँ क्यों अधिकारी लोग नहीं आए, विधायक उधायक कोई नहीं, कोई नहीं आए, कोई नहीं आए,
जे आए यहाँ ते कहन जाओ जाओ घर। अब इतनी बेर तो कहन की हम देगी तो हमसे बैठ भगाई देने लिया के देते कहे नहीं। हाँ का जाल नहीं ना कि नाव नहीं ना कि कौनो चीज नहीं कुछ तो हमन हिलावे कुछ करें। अच्छा हाँ गोताखोर अभी तक नहीं आया? कोई नहीं आया है। आज जोन सवेरे सुते 7 बजे सब पहुंच गए सब चीज फोटो गए सब कुछ तब लगे तनी जून कई बजे आता है कौनो सुनवाई है। तब हमसे छटपटाई छटपटाई मरी कथा बड़े 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 लखपति करोड़पति यहाँ सब खाती रहे हैं सारा पब्लिक हमसे सारी रात इतने लोग यहीं बैठे नहीं सुबह से सब आए रात में हेर हेर सब चला गए 9 बजे के बाद हेर हेर चले गए है सारा पानी वानी सब हेरे है। आगे आ जाइए थोड़ा सा आप आगे भाई बोलो चलो 9 बजे रात तक आप लोग ढूंढते रहे? हाँ ढूंढा गोल जहाँ जी 12 बजे रात तक ढूंढ रहे थे नहीं मिला तो बारिश मौसम हो इसलिए चले गए घर। फिर सुबह 4 बजे रात से हम लोग ढूंढ रहे यहाँ से वहाँ तक ढूंढ रहे थे नदी में हिल हिल के पूरे सरपताही में हिल हिल के पूरा ढूंढ रहे थे। अच्छा मतलब आप लोग ढूंढ रहे थे लेकिन गोताखोर नहीं कोई नहीं आया। सुबह वहाँ दिए कहे अब आ रहे हैं तब आ रहे अभी तक कोई पता नहीं यहाँ तक इतनी समय हो गया यहाँ। सुबह तो हम लोग खाना पीना आराम है यहाँ यहाँ खड़े हैं वो आज तो भगा रहे हैं चलो यहाँ घर यहाँ कोई मतलब नहीं है। हाँ यहाँ क्या करें हम लोग यहाँ बच्चे का इंतजार करें क्या करें कम कम आखिरी दर्शन हो जाए बच्चे का। अच्छा बच्चे के मुंह में खड़े हैं मुंह में खड़े हैं उनके चाचा हैं कम कम उनका दर्शन हो जाए आखिरी बार। हाँ परेशान है सुबह कल थे यहाँ तक अभी तक कोई सुनवाई नहीं सारी रात ढूंढे बच्चे सारी रात ढूंढ रहे हैं बारिश नहीं होती सारी रात यहीं बैठे थे हम लोग मुंह में। अच्छा बारिश कारण घर चले गए फिर सुबह 4 बजे यहाँ आए हैं यहीं ढूंढ रहे हैं हम लोग परेशान है कोई अभी तक सुनवाई नहीं हुई। देखिए साहब ये सब गांव के लोग हैं और उस बच्चे को देखना चाहते हैं कोई बड़ी मांग नहीं है इनकी ये कहना चाहते हैं कि शायद वो हमारा बच्चा जिसका हम अंतिम दर्शन कर लें इसीलिए तमाम लोग हैं साहब देख लीजिए इनकी आंखों की झुर्रियां देख लीजिए साहब उस बच्चे का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो छोटा सा जो बच्चा है 20 से 22 साल का वो इनके बीच में आ जाए और वो इसको एक बार देख लें। क्यों दादी यही आप लोग चाहते हैं चाहते हैं और जो हो आप मदद कर सकते हैं गरीब मनई है बहुत गरीब है एक लड़के और है वो परेशान आई है वो कल से ना आ रहा तो दिख बराबर वैसे ही लड़का रहा। अच्छा क्या करते हैं पापा वगैरह इनके क्या पापा ही माटी ला देता है मजूरी करता है और क्या करता है मजूरी हाँ मजूरी कर रहे थे ट्रैक्टर पे मट्टी लाद थे। हाँ ट्रैक्टर पे मट्टी लागत थे। हाँ क्या करें अच्छा ये नेता इसलिए नहीं आ रहे हैं ताकि कुछ उसकी मदद न करनी पड़ जाए ना यही बात है सही है यही बात है जो है कि कोई नहीं आ रहा है कोई अधिकारी भी नहीं आ रहा किस लिए बने हुए अधिकारी। अच्छा हाँ किस लिए बने हुए हैं किसी बड़े आदमी का बच्चा होता तो सब आ जाता सारे आदमी फट पड़ते मदद करने के लिए भी खड़े, खड़े हो जाते सही है यही तो बात सही है सब आँख में आंसू है देखिए साहब काहे रो रही है दादी हमारा भतीज खत्म नदी में डूब गया नहीं मिल रहा आ रहे हैं आपके पास एक मिनट देखिए क्या कह रही है आदमी देखवाइया लगे थे पिछले साल एक वकील का बच्चा यहीं पे बूढ़ा था पूरी फोर्स आ गई थी छीन भर में हमारा बच्चा बूढ़ा तो कोई नहीं आया हम लोग गरीब है ना हम लोग गरीब है क्या कर बस बाजार में चल जाओ घर बस यही ना यही लिए सब शिक्षा बनी है जाओ घर नहीं तो नहीं जाओगे तुम लोग भी भागो भागो यहाँ से बस जबर जाती बैठा है न तो न पानी न कुछ न घर न दुवार सब पूरा पब्लिक सब 3-4 गांव के यहाँ बैठे आए हैं। हाँ सर जी एक जब बहुत ज्यादा एक सुनवाई है हर तरह से मट्टी की मिले के बाद उसको कुछ मदद आप करिए तो वो जो जान तो चला गया जान के आली तो मिले नहीं मगर वो बच्चे जब तक देखेगी तब से यहाँ सटे नहीं गी। अच्छा देखिए साहब ये तस्वीर है चकवंतोड़ की प्रतापगढ़ जिले की जो कल शाम की ये घटना है और कल शाम से यहाँ के जो लोग हैं गांव के जो परिजन हैं उनके घर के जो परिजन हैं वो लगातार परेशान है उस बच्चे को ढूंढने के लिए। यहाँ पर तमाम दिखाएंगे आपको रस्सी के माध्यम से भी ये जो कटवसिया वगैरह होती है जो पानी वगैरह में डाल के कुछ सामान वगैरह पकड़ा जाता है ये सारे सामान देख लीजिए यहाँ इकट्ठा कर लिए गए हैं लेकिन अभी गोताखोर नहीं आए हैं और गाँव के लोग जितना उनसे बन सकता था उस बच्चे को ढूंढने के लिए लगातार परेशान है लगातार अपनी कोशिश जारी है। एक बार दिखा दें साहब आपको यहीं उसकी कटवसिया छूट गई इसी नदी के किनारे और इसी नदी के किनारे उस बच्चे का केवल कपड़ा बचा रह गया है ये देखिए आपको तस्वीर एक बार यहाँ की दिखा दें नदी के किनारे की ये सही नदी है जिसके किनारे प्रतापगढ़ बसा हुआ है साहब ये देखिए यहाँ पर
अक्सर घटनाएं होती हैं उस बच्चे का यही कपड़ा है और इसी कपड़े से कयास लगाया जा रहा है कि जब वो यहाँ पर कपड़ा उतार कर अपना बैठा कपड़ा उतार कर यहाँ मछली मारने का काम कर रहा था तो उसकी यही कटवसिया भी छूटी है साहब। वो यही पर दृश्य है, यही स्थान है जहाँ पर वो बच्चा लगातार आपको बता दें मछली मार रहा था कल शाम से, और कल शाम से ही अचानक वो लापता हो जाता है, जिसको देखने के लिए एक बार उधर तस्वीर दिखा देंगे। देखिए कितने लोग उसको देखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और ये तस्वीर आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ से। लेकिन अब आप इस पूरे प्रकरण को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलिएगा। क्या आपको लगता है कि जो नेता अभिनेता पनेता पुलिस प्रशासन क्या सिर्फ एक जो बड़े लोग होते हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए या जो भी नेता वगैरह होते हैं केवल आम लोगों को लुभावने देते हैं, क्योंकि आने वाला 24 का चुनाव है तो उस समय भी बड़े बड़े वादे किए जाएंगे, चाहे वो 22 का रहा हो। हर समय जब नेता आपके गांव में आता है तो बड़े बड़े बात करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन जब वक्त आता है कि दुख की घड़ी में खड़े होने का तो साहब शायद कोई नहीं खड़े होने के लिए तैयार होता है। यही इस समाज की हकीकत है। चाहे जितनी अच्छी अच्छी बातें संविधान में लिखी जाए, चाहे जितनी अच्छी अच्छी बातें मंच से बोली जाए साहब, लेकिन वो सिर्फ एक मंची व्यवस्था के लिए होता है, वो सिर्फ क्षणिक समय के लिए वो सब बातें होती हैं। लेकिन अब आप पूरे प्रकरण को लेकर कैसे देखते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना जरूर देना ना भूलेगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए अल्लाह बोल प्राइम। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मैं अतुल तिवारी। जय हिंद, जय भारत।